पैनल स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ एक बार फिर आई हूं आपके सामने लॉ फाउंडेशन बैच का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वन, बिकॉज ये हमारे सिलेबस में है, हमारे करिकुलम में है, और टू, बिकॉज ये हमारी डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे अफेयर्स में इफेक्ट करता है, और हमारे को नॉलेज होना अबाउट कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी है। तो जो भी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, उनको कौन सा लॉ रेगुलेट करता है, वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और ये एक्ट पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है, तो जरूरी है कि हमें इसकी एक फेयर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने कवर कर लिया था मेजर पोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे हम लोगों ने ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ा, कम्युनिकेशन पढ़ा, एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है वो पढ़ा। सेक्शन 10 के अंदर हमने पढ़ा कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के। फ्री कंसेंट होना चाहिए, पार्टीज का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, कंसिडरेशन का होना जरूरी है, लॉफुल कंसिडरेशन का होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। ये सब कुछ पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि वॉइड अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। ये कवर करने के बाद हम लोग आए चैप्टर नंबर 4 पे, जहाँ पे हमने बात करी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो जब हमने बात करी कि एक कॉन्ट्रैक्ट है तो अब उसको परफॉर्म करना भी जरूरी है, एक दूसरे के प्रति उनके कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे, राइट्स होंगे, सेक्शन 37 में हमने ये पढ़ा। फिर हम लोगों ने टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट पढ़ा, और फिर पढ़ा कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जिनको आपको परफॉर्म नहीं करना है, नोवेशन, रिसेशन, ऑल्ट्रेशन, ये सब कुछ हम लोगों ने कवर करा। और इसके बाद हम लोग आए हमारे नंबर चैप्टर 5 पे, जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो रिजेंबल तो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की तरह बट एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। हमने ये भी पढ़ा कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो टर्म है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पे भी नहीं लिखी हुई। इसके बाद हम लोगों ने कवर करा कि अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने फॉर्म किया है इसमें अगर कोई पार्टी तोड़ देगी तो क्या होगा। तो अब ये सब कुछ कवर करने के बाद नेक्स्ट पोर्शन हम जो कवर करेंगे वो होगा इंडेमनिटी, गारंटी, ये सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे दिमाग में आता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो हमने फॉर्म कर लिया, इसको डिस्चार्ज करने के, इसको कंप्लीट करने के क्या क्या तरीके हैं। तो वो सारे तरीके कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी हमें नॉलेज है, बट हमें जानना जरूरी है क्योंकि हमारे पेपर में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है डिस्चार्ज के ऊपर। तो दिस टॉपिक बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार हम लोगों ने सेक्शन 56 को भी पढ़ा, परफॉर्मेंस को भी पढ़ा, पढ़ा कहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाता है, सब कुछ कवर करा, बट हमें ये नहीं पता कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से और क्या तरीके से हमें आंसर बनाना है। तो हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्चार्ज को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है स्टूडेंट्स। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे डिस्चार्ज किस प्रकार से आप कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हो, किन किन तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जाता है, ये सब कुछ आज हम कवर करेंगे। अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हो और आपका स्टेट का पीटी या फिर मेंस का पेपर आने वाला है तो डिस्चार्ज पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के आप देख सकते हैं, तो इसकी एक एडिक्वेट नॉलेज होना जरूरी है। क्लैट एस्पिरेंट हो और या फिर आप आईलेट या स्लैट का पेपर देने वाले हो या कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो तो लीगल एप्टीट्यूड के पेपर में जो लीगल टर्म्स होती हैं ये काफी मदद करती हैं। जो बड़े बड़े पैसेजेस होते हैं उनको पढ़ने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है, बट अगर हमें नॉलेज हो इन टर्म्स के बारे में, अवेयरनेस हो, तो हम थोड़ी सी जल्दी, हमारी स्पीड बढ़ सकती है। तो इसीलिए आप सबके लिए भी जरूरी है, और LLB स्टूडेंट्स आप सबके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम में कई बार 10 मार्क या फिर 20 मार्क के लिए डिस्चार्ज के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग होना, पता होना कौन से केस लॉज को ऐड करना है, कौन से एग्जांपल्स को ऐड करना है और कौन से सेक्शंस को हम ऐड करना है, ये सब कुछ के बारे में हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब बात करते हैं कि आज के कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट को किस प्रकार से डिस्चार्ज किया जा सकता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स, वेरियस वेज ऑफ डिस्चार्जिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर करेंगे कि एक अग्रीमेंट को, एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है अग्रीमेंट करके या फिर परफॉर्मेंस करके या फिर उसको तोड़ के, ब्रीच करके। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें एक नॉलेज है, बट हमें उसको अप्लाई भी तो करना है ना, तो वो हम आज करेंगे।
फिर हम पढ़ेंगे कि अगर वो इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करना, कोई सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गई, या फिर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट ही किसी वॉइड चीज का किया था जो इम्पॉसिबल थी करनी, तो क्या होगा, उनके रेपरकशंस क्या होंगे, ये सब कुछ हम लोग आज कवर करने वाले हैं। बट इससे पहले कि हम दो स्टेप आगे जाएं, हम हमेशा क्या करते हैं, हम दो स्टेप पीछे जाते हैं और देखते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या कवर किया था। तो अगर आप लोगों को याद है, हम लोगों ने पढ़ा था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ब्रीच क्या होता है, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को पार्टीज ए और ये बी हैं, जो पार्टीज ये ब्रेक कर देती हैं, ये परफॉर्म नहीं करती हैं इनकी जो ऑब्लिगेशंस हैं एक दूसरे के प्रति, जो कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 37 के अंदर लिखा हुआ है कि ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं, अगर ये परफॉर्म नहीं करती हैं तो जो एक कॉन्ट्रैक्ट है ये टूट जाता है, इसके अंदर आ जाती है दरार। ठीक है, तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो ए के कुछ राइट्स थे बी के प्रति और बी के कुछ राइट्स थे ए के प्रति, तो इनको एक दूसरे के प्रति उन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करना था, ड्यूटीज को परफॉर्म करना था। अगर वो नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट हो जाता है। ये भी पॉसिबल है कि दोनों पार्टीज ब्रीच करें, ये भी पॉसिबल है कि एक पार्टी ब्रीच करे। तो आप लोगों को क्या देखना है कि हम लोगों ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप इस कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स हैं उनको आप पालन नहीं कर रहे हो, उनको आप तोड़ रहे हो। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीच क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है, इनको हमने कवर करा। तो हमने क्या क्या प्रकार के टाइप्स पढ़े, हमने पढ़े एंटिसिपेटरी ब्रीच होती है, या फिर एक्चुअल ब्रीच होती है, या फिर मटेरियल ब्रीच हो रहा है, और देयर इज अ माइनर ब्रीच इन द कॉन्ट्रैक्ट, और देयर इज अ फंडामेंटल ब्रीच इन द कॉन्ट्रैक्ट। इन सबको हम लोगों ने डिटेल में पिछली क्लास में कवर करा था। अब जब ब्रीच हो रहा है तो आपके पास कुछ उसके सॉल्यूशंस भी तो होने चाहिए, तो रेमेडीज क्या होंगी। रेमेडीज ऑफ ब्रीच में क्या हमने पढ़ा कि आप रिसिशन कर सकते हो, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसिन कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप सूट फाइल कर सकते हो फॉर डैमेजेस, जो भी आपका नुकसान हुआ है उस डैमेजेस को आप क्लेम कर सकते हो, या फिर आप सूट फाइल कर सकते हो फॉर क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट हम लोगों ने पढ़ा था, जितना काम किया है, जितना बेनिफिट लिया है, उतना रिस्टोर करना पड़ेगा। या फिर आप इंजंक्शन का सूट फाइल कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो प्रे फॉर अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जहाँ पे आपको कोई आर्ट की बात है या फिर कुछ पर्सनल स्किल की बात है और वो उसी बंदे से कराना है, तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मांग सकते हो। सो दीज आर द रेमेडीज विच आर अवेलेबल, विच वी हैव डेल्ट इन द प्रीवियस क्लास इन डिटेल, दैट वॉट आर द डिफरेंट रेमेडीज विच आर अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू इफ देर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं कि डैमेजेस हो गए, तो किस प्रकार के डैमेजेस हो गए, टाइप्स ऑफ डैमेजेस भी पढ़ना जरूरी है। हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेजेस हैं। तो पहला हमने डैमेज किया कि एक्चुअल डैमेज क्या हो रहा है। हम लोगों ने डैमेज वर्सेस डैमेजेस भी डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो। उसके बाद हमने पढ़ा एक्चुअल डैमेज क्या है, जनरल डैमेज कितना हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा इंसिडेंटल डैमेजेस के बारे में पढ़ा, रिमोटनेस ऑफ डैमेज के बारे में पढ़ा, कि जो आप डैमेज क्लेम कर रहे हो वो टू रिमोट नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअल डैमेज होना चाहिए, वो फोर्सिएबल होना चाहिए, या फिर नॉलेज में होना जरूरी है। या फिर हमने पढ़ा लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में, जो असर्टेनेबल है, जिनको आपने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कैलकुलेट करके रखा है। उसके बाद हमने पढ़ा नॉमिनल डैमेजेस क्या होते हैं, प्यूनिटिव डैमेजेस क्या होते हैं, जहाँ पे आप पनिशमेंट की तरह डैमेज लगा रहे हो। रेस्टिट्यूशन डैमेजेस कहाँ होते हैं, जहाँ पे आप पिछले पर्सन को रिस्टोर कर रहे हो उसी पोजीशन में जहाँ पे वो होता अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता। फिर हम लोगों ने क्या डील किया स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बहुत सारे केस लॉस डील करे, जहाँ पे हम लोगों ने बात करी कि जहाँ पे डैमेजेस की बात है या फिर जहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात है, तो कैसे किस प्रकार के आपको केस लॉस को अपने आंसर्स में लिखना होगा। हम लोगों ने हैडले वर्सेस बैक्सिंडल के बारे में भी बात करी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है अपने लिए, हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस। हम लोगों ने डनलप न्यूमेटिक टायर्स वाले केस के बारे में भी बात करी, जहां पे बात हुई थी कि एक प्राइस के नीचे पैसे टायर्स को नहीं बेचना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी डेल्ट विद, ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमने पढ़ा सेक्शन 73 क्या कहता है। सेक्शन 73 कहता है कॉम्पनसेशन फॉर लॉस और डैमेज आप मांग सकते हो, अगर क्या हो रहा है, कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है, तो ब्रीच अगर हो रहा है तो आप डैमेज या लॉस क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 74 में हमने बात करी जहां पे कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जहां पेनल्टी भी स्टिप्युलेटेड है, तो हम लोगों ने बात करी कई कॉन्ट्रैक्ट्स में पेनल्टी भी लगी होती है, उसको हम लोगों ने कैसे इंटरप्रेट करना है। 75 में हमने बात करी पार्टी के पास राइट है कि वो पार्टी राइट फुली रिसाइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकता है, रिसाइन करके इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है और उसके बाद कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकता है, कॉम्पनसेशन के लिए वो इंटाइटल्ड होगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने 73 से 75 पढ़ा। सिर्फ 3 सेक्शंस है कहने को, बट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक बनता है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एग्जामिनेटर्स का बहुत ही ज्यादा फिक्स्ड पेपर में ये क्वेश्चन आता है, उनका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है। तो 73 से 75 का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे से डील करा और आप लोगों को यही चीज अच्छे से रिविजन करवाई है मैंने अभी, आप लोगों को एक बार दोबारा रिवाइज करना है जिससे कि आप लोग पेपर में अच्छे से इसको लिख के आए। इसके बाद अब हम लोग क्या डील करने वाले हैं, आज हम लोग डील करने वाले हैं कि डिस्चार्ज किस प्रकार से होता है एक कॉन्ट्रैक्ट का। तो जब मैं बात करती हूं कि कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना है, तो डिस्चार्ज का क्या मतलब है, मतलब टर्मिनेशन हो रही है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप की, दैट इज जब जो राइट्स, ये जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था अगर आपको याद हो तो मैंने बोला इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसमें ए की कुछ राइट्स हैं और ड्यूटीज हैं और बी के भी कुछ राइट्स हैं और ड्यूटीज हैं। ठीक है, तो जब इन राइट्स एंड ड्यूटीज का खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज हो रहा है। कैसे हो सकता है, अगर तो दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज कर दिया, या फिर म्यूचुअल कंसेंट से उन्होंने अग्री कर लिया कि भाई साहब अब हमें ना ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, या फिर इनको जो परफॉर्म करना था वो इम्पॉसिबल बन गया, जो हमने सेक्शन 56 में पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, या फिर जो टाइम पीरियड था अगर कुछ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर करना था, 1 साल के अंदर करना था, वो टाइम पीरियड लैप्स हो गया, या फिर लॉ के द्वारा कोई ऐसी चीज हो गई कि अब ये वो चीज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये एक एक्स कमोडिटी में डील करते थे, अब गवर्नमेंट ने उस कमोडिटी को बैन कर दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप से डिस्चार्ज हो गया, या फिर इनके बीच में हो गया ब्रीच जो हम लोगों ने 73 से 75 के अंदर अभी पिछली क्लास में ही पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। एक बड़ी सी टेबल मैंने आपके लिए बनाई है जिससे कि आप लोग बाद में एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लो मेरे साथ, उसके बाद में इस टेबल की या तो फोटो खींच लेना या तो इसका प्रिंटआउट ले लेना, वो क्लास पीडीएफ नोट्स जो आपको मिलते हैं ना हमारी ऐप से, वहां से, और फिर आप इसको बढ़िया तरीके से याद कर सकते हो। तो एक बार समझते हैं इसको डिटेल में, डिस्चार्ज किस तरीके से हो सकता है, परफॉर्मेंस करके, या तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस करते हो या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस करते हो। याद करो वो क्लास जब हम लोगों ने परफॉर्मेंस वाला चैप्टर शुरू किया था, तो मैंने आपको एक्चुअल और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में डिफरेंस बताया था, जहाँ पे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में सामने वाला बंदा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है बट उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो अटेम्प्टेड हो गया। और हमने क्या बात करी थी, इसमें हमने एक और बात करी थी कि अगर ये मनी से रिलेटेड है तो आपकी लाइबिलिटी खत्म नहीं होती, बट अगर ये गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड है तो आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने तो ऑफर करा था कि मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ बट सामने वाले ने नहीं करने दिया, तो ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो गया। दिस वी हैव ऑलरेडी डन, एक्चुअल वर्सेस अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के बीच का डिफरेंस भी हमने किया है। या तो टाइम पीरियड लैप्स हो गया, जहां पे कोई स्टिप्युलेटेड टाइम था, 1 साल के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था, नहीं किया, तो टाइम पीरियड लैप्स हो गया। या फिर बाय अग्रीमेंट हुआ, बाय अग्रीमेंट जहां पे आपने नोवेशन कर लिया, जो आपको याद हो अगर सेक्शन नंबर 62 में नोवेशन, नए प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट कर लिया, ऑल्टरेशन कर दी उसकी टर्म्स को, रिसेशन कर दिया, रिमिशन कर दिया या वेवर कर दिया, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। या तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेक्शन नंबर 73 से 75 आप लोगों ने पिछली ही क्लास में पढ़ा है, जिसमें एक्चुअल ब्रीच भी हो सकता है, एंटिसिपेटरी ब्रीच भी हो सकता है, फंडामेंटल ब्रीच भी हो सकता है, बहुत सारे टाइप के ब्रीच पढ़े थे, मटेरियल ब्रीच भी हो सकता है, माइनर ब्रीच भी हो सकता है। या तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म करना है सेक्शन 56 के हिसाब से वो इम्पॉसिबल हो गया है, या फिर मैं उसको क्या कहती हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो गई है, ठीक है, अब वो पॉसिबल नहीं है। इसमें भी हमने दो पढ़ा था, एक होता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, जैसे आपने बोला कि आप दो पैरेलल लाइंस को मिलवाओगे, ये आपने अग्रीमेंट किया तो ये अपने आप में वॉइड है, या फिर हो गया सब्सिक्वेंट, बाद में जाके वो इम्पॉसिबल हो गया, या फिर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या आ गया,
कुछ ऐसा हो गया कि सामने वाले की डेथ हो गई और पर्सनल स्किल की बात थी, तो अब आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इम्प्लीट करके उनसे काम नहीं करा सकते हो, या फिर वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, मर्ज हो गई वो कंपनी, या फिर अनऑथराइज मटीरियल ऑल्टरेशन हो गई, तो अब वो करना ऑपरेशन ऑफ लॉ के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। तो ये जो चार्ट है ना स्टूडेंट, ये जो चार्ट है ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इसका अच्छे से फोटो शोटो ले लो और अपने दिमाग में बिठा लो, अपने सामने जहाँ पे आप लोग पढ़ते हो अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लो, बार बार इसको पढ़ते जाओगे तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। बट आज के इस सेशन का मतलब यही है कि आप लोगों को मैं इस आंसर की तैयारी कराना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं कि ये पढ़ा तो है पर मुझे नहीं पता था कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को ये आंसर लिख के आना है। तो माई ओनली पॉइंट इज दैट यू शुड नो दैट आपको क्या आंसर लिखना है, मैं आपके इस आंसर की आज तैयारी करवा रही हूँ, ठीक है। तो अब मोड्स ऑफ डिस्चार्ज अग्रीमेंट से 62 से 67 हम कवर कर चुके हैं, परफॉर्मेंस से 37 से 67 हम कवर कर चुके हैं, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस 56 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और ब्रीच सेक्शन 39 भी और 73 से 75 भी, ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं। बट आज हम लोग दोबारा से इसके बारे में पढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्चार्ज हो रहा है अगर अग्रीमेंट के द्वारा, तो कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको अब परफॉर्म नहीं करना है, जब हम लोग परफॉर्मेंस का चैप्टर खत्म कर रहे थे तो हम लोगों ने सेक्शन नंबर 62 से लेके आई थिंक 62 से लेके 67 तक, वो वाले कॉन्ट्रैक्ट से जिनमें आपको उनको परफॉर्म नहीं करना है, तो अगर पार्टी अग्री कर जाती है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट करेगी एक नए कॉन्ट्रैक्ट से, या फिर उसको रिसेंट कर देगी, उसको कैंसिल कर देगी, या फिर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को अल्टर करेगी, तो उसको ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। याद करो हमारा सेक्शन नंबर 62 जिसमें हमने क्या पढ़ा था, नोवेशन पढ़ा था, रिसिशन पढ़ा था, ऑल्टरेशन भी पढ़ा था, ठीक है। तो जब आप ये सब कुछ हो रहा है तो नो नीड टू परफॉर्म ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, याद करो यहाँ पे हमने बात करी थी कि इनमें क्या होना जरूरी है, इनमें जरूरी है होना म्यूचुअल कंसेंट। तो ये जो पार्टीज हैं इनके बीच में म्यूचुअल कंसेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर म्यूचुअल कंसेंट नहीं है तो एक पार्टी अपनी मन मर्जी से ये चीज नहीं कर सकती, सो इट हैज टू बी बायलैटरल एंड नॉट बायलैटरल होना चाहिए, नॉट यूनिलैटरल। तो एक बंदा अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है, दोनों पार्टीज का अग्री करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब नोवेशन की जब बात करें, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करते हो एक पुराने कॉन्ट्रैक्ट को एक नए कॉन्ट्रैक्ट से, ये दो तरीके से होता है अगर आप लोगों को याद हो, या तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज कर रहे हो और आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहे हो, या फिर देयर इज अ चेंज इन पार्टीज ऑल्सो, तो वो भी होता है। तो अगर आपको याद हो स्कार्फ वर्सेस जार्डिन के केस में इन्होंने क्या बोला, नोवेशन दो तरीके से हो सकता है, चेंज ऑफ पार्टीज कर रहे हो या फिर एक नए कॉन्ट्रैक्ट को ही सब्स्टिट्यूट कर रहे हो और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को बदल रहे हो, ठीक है। अब हम लोगों ने इसके बाद 62 पढ़ने के बाद 67 अगर आप लोगों को याद हो हम लोगों ने कवर किया था, 67 में आप क्या कर रहे हो, अगर इफेक्ट क्या होगा अगर कोई बंदा निग्लेक्ट कर जाता है, निग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस हो जाता है टू अफोर्ड प्रॉमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज की वो परफॉर्म कर सके। अब आपको रीजनेबल फैसिलिटीज परफॉर्म करने के लिए उसको देना था, रीजनेबल फैसिलिटीज देनी थी उसको, ठीक है। अब अगर आपने किसी बंदे को आपने ये नहीं किया निग्लेक्टेड, तो जो बंदा है वो परफॉर्म ना भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल याद करो जहाँ पे आपने किसी को अपने घर की रिपेयर करने के लिए बुलाया था, ये आपका घर है, आपने एक को बुलाया कि भाई साहब रिपेयर करो मेरे घर की। अब आपने उसको जो ये सारी सारी जगहों पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं ये उसको बताया ही नहीं, तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि वो इनको रिपेयर करे। तो इंटरडिपेंडेंट प्रॉमिसेस कहा जाता है जहां पे ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इनका आपस में म्यूचुअल एंड इंटरडिपेंडेंस है। जब तक ए को आपने नहीं बताया वेयर ऑल टू रिपेयर, हाउ विल ए परफॉर्म। तो ये इतने ज्यादा इंटरडिपेंडेंट होते हैं कि
अगर आप एक पार्टी को नहीं बताते हो तो दूसरी पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाएगी कोऑपरेशन के बिना, तो रीजनेबल फैसिलिटीज का प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेक्शन 67 इसी के बारे में बात करता है कि रीजनेबल फैसिलिटीज अगर आपने नहीं प्रोवाइड करी तो क्या उसका इफेक्ट होगा अगर आप निग्लेक्ट कर देते हो वो चीजें उसको प्रोवाइड करना जिससे कि वो काम कर सके। जैसे कि अगर मैंने ए को बुलाया और मैंने बोला एक चेयर कंस्ट्रक्ट कर दो मेरे लिए और इसकी इस चेयर की जो वुड है वो मैं तुम्हें सप्लाई करूंगी। अब वुड हैड टू बी सप्लाइड बट डिंट सप्लाई, तो अब ए परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये इतने इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के अंदर इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि अगर आपने वुड सप्लाई नहीं करी तो वो फिर क्या नहीं करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेगा। तो अगर प्रोमिसी जो है वो निग्लेक्ट कर देता है या रिफ्यूज करता है प्रोमिसर को प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए कि वो अपना परफॉर्मेंस कर सके, तो प्रोमिसर को आप एक्सक्यूज कर दोगे इस निग्लेक्ट और रिफ्यूजल से एज टू नॉन परफॉर्मेंस इज कॉज देयर बाय। तो ये इतने इंटरडिपेंडेंट थे, एक दूसरे से मिले हुए थे कि कोऑपरेशन के बिना काम करना है इम्पॉसिबल। ठीक है, ओके, इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ विद बी कि वो आके उसका घर टू रिपेयर बीज हाउस। ठीक है, तो ये जो घर है ये बी का घर है, ये बी का घर है। ठीक है, बी ने निग्लेक्ट करा कि ये ए को पिन पॉइंट प्लेसेस टू बी रिपेयर्ड, तो अब ए को एक्सक्यूज कर दिया जाएगा कि वो नॉन परफॉर्मेंस करे। और यही बात कही गई हमारे मैकिन वर्सेस मैकिनसन के केस में भी। दिस आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब सेक्शन 67 क्या बोलता है। सेक्शन 67 ये भी परमिशन देता है कि आप पार्टीज को आप रिसेशन कर सको, आप टर्मिनेट भी कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट अगर सामने वाले ने क्या कर दिया है, आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करी है, आपको एडिक्वेट चीजें सप्लाई नहीं करी है जो जरूरी थी आपके परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, अब सेक्शन 63 याद करो, जहां पे हमने पढ़ा था रिमिशन ऑफ परफॉर्मेंस। रिमिशन ऑफ परफॉर्मेंस में हमने क्या किया था कि जो प्रोमिसी है, प्रोमिसी के पास ऑप्शन है कि वो क्या कर सकता है, वो डिस्पेंस विद कर सकता है या फिर रिमिट कर सकता है परफॉर्मेंस। तो हर एक पर्सन जिसको हु एक्सेप्ट्स अ प्रपोजल मे डिस्पेंस विद या फिर रिमिट होली और इन पार्ट। एग्जाम्पल के फॉर्म में याद करो कि ए ने बी को 5,000 रुपए देने थे ओ, बट ए ने बी को 2,000 रुपए दिए और बी ने बोला इट इज ओके, तो उसने रिमिट कर दिया पूरे परफॉर्म करने के लिए और उसने 2,000 रुपए में वो डेट को एक्सरसाइज कर लिया, वो डेट को एक्सेप्ट कर लिया। तो बेसिकली जहां पे हर एक बंदे के पास पावर है कि वो एक्सेप्ट कर सकता है एक प्रपोजल टू डिस्पेंस विद या फिर रिमिट होली और इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रपोजल मेड टू हिम जो उन्होंने एक्सेप्ट करी है, और ही कैन एक्सटेंड द टाइम ऑल्सो अगर उनको लगता है कि वो रीजनेबल है। तो द सेक्शन इन अदर वर्ड्स परमिट्स कि अ पार्टी जिसके पास राइट है कि वो डिमांड कर सके परफॉर्मेंस को, वो या तो रिमिट कर सकता है, डिस्पेंस कर सकता है होली और पार्ट, एक्सटेंड कर सकता है टाइम फॉर परफॉर्मेंस, जहाँ पे आपको एक साल के अंदर अंदर ए को बी को क्या देना था 5,000 रुपए, बी एक्सटेंडेड द टाइम टू 2 years, एक्सेप्ट कर सकता है कोई और सैटिस्फैक्शन इंस्टेड ऑफ द परफॉर्मेंस। द एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर अमाउंट ऑफ मनी वेयर मोर इज ड्यू इज ऑल्सो अ गुड डिस्चार्ज, जहां पे 5,000 की जगह 2,000 रुपए में उसने काम कर दिया, दैट इज ऑल्सो अ गुड डिस्चार्ज। तो क्या देखना है कि अग्रीमेंट के द्वारा 63 से 67 सारे अग्रीमेंट वाले हैं, जहां पे वो बंदा रिमिट कर देता है, डिस्पेंस विद कर देता है या फिर टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर देता है कि कोई बात नहीं तुम थोड़ा सा ही दे दो या फिर मैं तुम्हें टाइम ज्यादा दे देता हूँ कि तुम परफॉर्म कर सको, वो भी अपने आप में वो जो पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनको परफॉर्म करना जरूरी नहीं है, और इस तरीके से भी इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो अब कपूर चंद गोधा वर्सेस मीर नवाब हिमायत अली खान AIR 1963 SC 250 का ये केस है। क्या बोलता है, लाइबिलिटी थी ऑफ 27 लाख रुपए,
20 लाख रुपए ऑफर करे गए टू द क्रेडिटर इन फुल सैटिस्फैक्शन एंड उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। क्रेडिटर ने सू किया फॉर बैलेंस आफ्टर सच एक्सेप्टेंस। शाह जस्टिस ने क्या बोला? शाह जस्टिस ने बोला कि ये फैक्ट को ऑलरेडी कवर किया गया है बाय इलस्ट्रेशन सी ऑफ द सेक्शन 63 जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एप्लेंट ने एक्सेप्ट करा था इस सम को इन फुल सैटिस्फैक्शन। अब वो बाद में इंटाइटल्ड नहीं है कि वो इस चीज के लिए सू कर सकता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस Not only from your paper point of view, but also from your practical point of view, जहाँ पे आपकी भी किसी को देनदारी है या किसी बंदे ने आपको कुछ पैसे लौटाने हैं, अगर आप कम पैसा एक्सेप्ट कर लेते हो तो बाद में आप उसको सू नहीं कर सकते। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है बिफोर यू एंटर इनटू सच अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, इलस्ट्रेशन सी एक बार हम पढ़ भी लेते हैं, क्या कहती है। ए ओ करता है बी को 5,000 rupees, ए ने बी को 5,000 rupees देने थे। C pays B 1,000 rupees और B ने उसको एक्सेप्ट कर लिया फुल सैटिस्फैक्शन। B ने बोला इट इज ओके, आपका क्लेम इज ओवर। तो यहाँ पे द पेमेंट इज डिस्चार्ज हो गई, पूरा का पूरा ये डिस्चार्ज हो गया और बाद में जाके अब B सू नहीं कर सकता। ठीक है, वेवर क्या होता है? वेवर होता है जहां पे आप क्या कर रहे हो, आप डिस्पेंस विद कर रहे हो, आप गिव अप कर रहे हो। गिव अप मीन्स आप पार्टी जो इंटाइटल थी परफॉर्मेंस के लिए वो कह रही है इट इज ओके आई गिव अप माय राइट। सुप्रीम कोर्ट ने वेवर को अबैंडनमेंट ऑफ राइट भी कहा गया है। ठीक है, तो वेवर अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया तरीका है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, डिस्चार्ज कर सकते हो एक कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिस्चार्ज किया जा सकता है, वेवर से भी आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो पार्टी जिसने वेव कर दिया है कंप्लायंस विद द पर्टिकुलर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट की ऑफ द सर्कमस्टेंस बाय गिविंग रीजनेबल नोटिस विड्रॉ हिज वेवर। ठीक है, तो अगर आप उस वेवर को विड्रॉ कर रहे हो तब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक और तरीका हमने बात करा जहां पे आप टाइम को एक्सटेंड कर रहे हो। तो सेक्शन 63 क्या कहता है कि आप टाइम को एक्सटेंड भी कर सकते हो जहां पे आप टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर रहे हो। हाउएवर ऐसे एक्सटेंशन ऑफ परफॉर्मेंस कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय अ यूनिलैटरल एक्ट ऑफ द प्रोमिसी, कंसेंट ऑफ द अदर पार्टीज इक्वली नेसेसरी। यही बात बोली गई केशव भाई, लल्लू भाई पाटेल वर्सेस लाल भाई त्रिकुमल मिल्स के केस में। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मैं आपको बार बार बोलती हूँ यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट जो है ना ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैसेट है। ठीक है, यूनिलैटरल एक्ट नहीं हो सकता, इट हैज टू बी अ बायलैटरल एक्ट। ओके, सेक्शन 62 और 63 के बीच में एक बार डिफरेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले बिना कुछ पढ़े क्या देखना है, 62 में वो वाली बात हो रही है नोवेशन वाली, रिसेशन वाली, और कौन सी बात हो रही है, और बात हो रही है ऑल्ट्रेशन वाली। सेक्शन 62 ये वाला था, 63 कौन सा वाला था, जहां पे आप डिस्पेंस कर सकते हो, डिस्पेंस विद, या फिर आप रिमिट कर सकते हो परफॉर्मेंस। ओके, 63 में। अब पढ़ते हैं कि जो प्रोविजन है 62 का वो बात करता है नोवेशन वाली, जहां पे अग्रीमेंट की जरूरत है बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन। नोवेशन अग्रीमेंट मस्ट बी मेड बिफोर द ब्रीच ऑफ द ओरिजिनल प्रॉमिस। ऑल्सो यहाँ पे क्या जरूरी है, म्यूचुअल कंसेंट बहुत ज्यादा जरूरी है दोनों पार्टीज का, मतलब बायलैटरल चीज होनी चाहिए, यूनिलैटरल नहीं होनी चाहिए। 63 में कोई भी अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है एज वेल एज एनी कंसिडरेशन। प्रोमिसी अपनी मर्जी से रिलीज कर सकती है प्रोमिसर को ग्रैटिट्यूसली और बिफोर द ब्रीच फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। प्रोमिसी मे रिलीज द प्रोमिसर ग्रैटिट्यूसली फ्रॉम द लाइबिलिटी इवन आफ्टर द ब्रीच। तो बिफोर द ब्रीच भी कर सकती है, आफ्टर द ब्रीच भी कर सकती है। ठीक है, अब जब 62 और 63 को पढ़ लिया तो एक कॉन्सेप्ट होता है अकॉर्ड और सेटिस्फैक्शन क्या होता है। अकॉर्ड क्या होता है, अकॉर्ड इज एन अग्रीमेंट जो कि ब्रीच के बाद बनाया जा रहा है, वेयर बाय सम कंसिडरेशन अदर देन दिस लीगल रेमेडी इज टू बी एक्सेप्टेड बाय द पार्टी नॉट इन फॉल्ट फॉल्डोड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड कंसिडरेशन। तो अकॉर्ड क्या है, यहाँ पे एक अग्रीमेंट हो रहा है जो कि किसके बाद हो रहा है, ब्रीच के बाद हो रहा है, जहाँ पे आप कुछ कंसिडरेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो अदर देन जो लीगल रेमेडी आपको अवेलेबल थी फॉर नॉट ऑफ योर फॉल्ट फॉलोड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड कंसिडरेशन। कोई भी लाइबिलिटी जो अराइज करती है आउट ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी डिस्चार्ज बाय अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन। तो ये एक और तरीका है जहां से आप लाइबिलिटी को, एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो अबैंडनमेंट का क्या मतलब है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, जहां पे पार्टीज हैव इग्नोर्ड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इट मे गिव एन इन्फ्रेंस कि वो लोग अबैंडन करना चाह रहे हैं, वेव ऑफ करना जा रहे हैं, गिव अप करना चाह रहे हैं।
ठीक है, अगर कोई मटेरियल ऑल्टरेशन हो रही है, तो जहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे एक डीड बनी गई है और जो पार्टी है जिसकी वो कस्टडी में है वो डीड को ऑल्टर करती है विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी, ये अपने आप में एक मटेरियल पर्टिकुलर चीज में करती है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, वो जो डीड है वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि आप यूनिलैटरली इस चीज को नहीं कर सकते हो, आपको दूसरी पार्टी का भी कंसेंट लेना जरूरी था। ठीक है, हैल्सबरी ने क्या कहा कि अगर एक मटेरियल ऑल्टरेशन हो रही है, इज वन जहां पे वेरी हो रहे हैं राइट्स लाइबिलिटीज लीगल पोजीशन पार्टीज की, जिसको असर्टेन किया जा रहा है एक डीड के द्वारा इन इट्स ओरिजिनल स्टेटस, और अदरवाइज वेरीज द लीगल इफेक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एज विच वॉज ओरिजिनली एक्सप्रेस। तो बेसिकली वो जो मेन फंडास है हमारे डीड के, उसी को ऑल्टरेशन हो रही है, हम तभी उसको कहेंगे एक मटीरियल ऑल्टरेशन है। ठीक है, अब सेक्शन 37, जब से मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपने एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस है, ए के कुछ राइट्स हैं और ड्यूटीज हैं और बी के भी कुछ राइट्स हैं और ड्यूटीज हैं, तो ये एक दूसरे के प्रति होती हैं ऑब्लिगेशंस। तो जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट कहाँ होता है, डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट में हम लोगों ने सेक्शन 62 पढ़ा, सेक्शन 63 पढ़ा, सेक्शन 67 पढ़ा। अब हम लोग आ रहे हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ डिस्चार्ज, जहाँ पे आप डिस्चार्ज कर रहे हो बाय परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, और जब आप परफॉर्मेंस कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर रहे हो। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे के प्रति कुछ परफॉर्मेंसेस करनी होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं, अगर आप वो परफॉर्म कर रहे हो या फिर आप ऑफर कर रहे हो जो भी आपका प्रॉमिस था उसको करने का, तो आप क्या कर रहे हो, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। ये सेक्शन 37 में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इफेक्ट क्या होता है ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट द टाइम अदर देन दैट अग्रीड। तो एक कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल ड्यू टू द नॉन परफॉर्मेंस बाय द प्रोमिसर जिस टाइम पे उन्होंने अग्री किया था, बट अगर प्रोमिसी एक्सेप्ट कर देती है इस परफॉर्मेंस को किसी और टाइम पे जहां पे उन्होंने अग्री नहीं किया था बट उस भी टाइम पे कर देती है, तो प्रोमिसी बाद में जाके कॉम्पनसेशन को क्लेम नहीं कर सकती कि यहाँ पे नॉन परफॉर्मेंस हुआ है, अनलेस वो एक अपना नोटिस दें कि वो इंटेंशन है उनकी टू डू सो एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ दैट परफॉर्मेंस। ठीक है, अब कहाँ पे कई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पे टाइम जो होता है आपका एसेंस माना जाता है, बट कई कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें टाइम इज नॉट द एसेंस। तो मिसचीफ क्या है, क्या इंटेंशन है इस सेक्शन की, वो ये कहता है कि जहाँ पे टाइम एसेंस है वहाँ पे टाइम को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। Therefore, one has to lean upon the judicial determination, जिसके कि आप टाइम इज द सेंस को समझ सके। तो तीन केसेस हैं जहां पे आपको टाइम को इम्पोर्टेंट या फिर टाइम को कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस माना जाता है। तो आपको क्या समझना है, इन तीन केसेस में टाइम का पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि जहां पे पार्टीज ने एक्सप्रेसली बोला है अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि टाइम को आपको एसेंस मानना है, टाइम इज द एसेंस, बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट को इस टाइमली मैनर में ही करना है, जहां पे जो डिले हो जाएगा वो एक इंजरी की तरह माना जाएगा, या यहाँ पे जहाँ पे नेचर और नेसेसिटी कॉन्ट्रैक्ट की ऐसी है कि आपको उसी तरीके से उसको करना है, जहाँ पे अ पार्टी आस्क फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर परफॉर्मेंस वहां पे क्या माना जाएगा कि टाइम वॉज द एसेंस ऑफ द परफॉर्मेंस। ठीक है, तो बुधरा चंद वर्सेस बेट्स का केस देखते हैं। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में फॉर एंगेजिंग डिफेंडेंट्स एलिफेंट फॉर खेड़ा ऑपरेशंस। इट वाज स्टिपुलेटेड दैट द एलिफेंट वुड बी डिलीवर्ड ऑन 1st October 1910। डिफेंडेंट ने एक एक्सटेंशन लिया टाइम का टिल 6th, बट उसके बाद भी उन्होंने डिलीवर नहीं किया टिल 11th। प्लेंटिफ ने रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस और बाद में जाके उनको सू किया फॉर डैमेजेस ऑफ ब्रीच। क्या बोला गया कि प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू द डैमेजेस बिकॉज यहाँ पे टाइम का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट की थी, उनसे समझ आ रहा था कि टाइम का टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए उन्होंने ये एक्ट ऑफ सीकिंग द एक्सटेंशन ऑफ टाइम जहाँ पे फर्स्ट से उन्होंने 6th कराया था बट फिर भी 11th तक उन्होंने फॉलो नहीं किया, क्या दिखा कि टाइम वॉज द सेंस, एंड इसीलिए इसके लिए प्लेंटिफ वॉज एंटाइटल टू सू फॉर द डैमेजेस। चाइना कॉटन एक्सपोर्टर्स वर्सेस बिहारी लाल रामचंद्र कॉटन मिल्स। कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेटेड था कि जो शिपमेंट टाइम इज अक्टूबर नवंबर, कॉन्ट्रैक्ट इज सब्जेक्ट टू इंपोर्ट लाइसेंस एंड देयरफॉर शिपमेंट डेट इज नॉट टू बी गारंटीड। शिपमेंट डेट इज द सेंस, प्रोविजो एक्सक्यूज इज ओनली द डिले विच इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द टाइम इन ऑब्टेनिंग द इम्पोर्ट लाइसेंस। With this exception, shipment during October, November was guaranteed and this time was taken to be the essence of the contract. तो कई बार आपकी contract की जो language होती है उसी से आप समझ सकते हो कि क्या contract was the essence और contract में time was the essence और time was not the essence.
ठीक है। अब टाइम वीजावी लैंड एंड प्रॉपर्टी डीलिंग्स जब बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जी पिल्लई वर्सेस पी नंदन के केस में क्या बोला कि इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और इमूवेबल प्रॉपर्टी इट वुड बी नॉर्मली प्रिज्यूम्ड कि टाइम वाज नॉट द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली यही बात बोली जाएगी, ठीक है, अंटिल अनलेस कुछ एक्सप्रेस प्रोविजन लिखा गया है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आप फेल कर जाते हो टू परफॉर्म योर प्रॉमिस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो आपको क्या देखना है, जहां पे आपका एक फिक्स टाइम पीरियड था और आपने वो चीज वहां पे फॉलो नहीं करी, तो जहां पे टाइम एसेंशियल है वहां पे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, बट जहां पे टाइम एसेंशियल नहीं है वहां पे एक्सेप्टेंस किया जाएगा। सेक्शन 55 हम लोगों ने पढ़ा था, क्या कहता है, जहां पे टाइम इज नॉट द एसेंस वहां पे द पार्टी कंसर्न हैज नो राइट टू रिजेक्ट द परफॉर्मेंस और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। हाउएवर अगर पार्टी को डिले हो रहा है तो उसके लिए वो कॉम्पेंसेशन मांग सकती है उस डिले पीरियड के लिए। बट जहां पे टाइम इज द एसेंस प्रॉमिस अगर परफॉर्म नहीं किया जाता तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रेंडर्ड वॉइड बट वो वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जो अग्रीव्ड पार्टी है, और उसके बाद वो उस पार्टी की मर्जी होगी कि वो एक्सेप्ट करे इस परफॉर्मेंस को या फिर रिजेक्ट करे। ठीक है, तो वंस द पार्टी एक्सेप्ट्स द परफॉर्मेंस इवन आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम, बाद में जाके वो कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकती अंटिल एंड अनलेस उन्होंने एक नोटिस दिया है जहां पे उन्होंने अपनी इंटेंशन दिखाई थी कि बाद में जाके मैं नोटिस में कॉम्पनसेशन क्लेम करूंगी फॉर द डिले। तो अब जब हमने ये दो तरीके पढ़ लिए, हमने क्या क्या पढ़ लिया, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट। तीसरा तरीका है डिस्चार्ज बाय ब्रीच, जो हम लोग ने 73 से 75 पढ़ा था पिछली ही क्लास में। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब एक पार्टी जो है अपनी जो लाइबिलिटी है उसको फॉलो नहीं करती है या फिर अपने एक्ट से वो इम्पॉसिबल कर देती है कि वो जो भी ऑब्लिगेशंस उसको परफॉर्म करनी थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो उसको कैसे परफॉर्म करे, या फिर वो क्या करती है टोटली या पार्शली फेल कर जाती है परफॉर्म करने के लिए जो भी ऑब्लिगेशंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थी। ठीक है, तो अगर वो फेल कर जाती है अपनी ऑब्लिगेशंस को प्रोवाइड करने के लिए, मे बी व्हेन द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड और इवन बिफोर इट, द फॉर्मर इज कॉल्ड प्रेजेंट ब्रीच वेयर एज द लेटर इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जहां पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीच पढ़े थे, एंटीसिपेटरी ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच, मटीरियल ब्रीच, माइनर ब्रीच, फंडामेंटल ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है, कंप्राइजेस रेप्यूटेशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट प्रायर टू द प्रॉमिस डेट। तो बेसिकली जहां पे आपको 14th डे को आपको परफॉर्मेंस करनी थी बट आपने 10th को ही बोल दिया कि मैं परफॉर्मेंस नहीं करूंगा, तो प्रायर टू द प्रॉमिस डेट ऑफ परफॉर्मेंस अगर आपने अपने हाथ खड़े बोल दिया और बोला मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, तो ये एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गई। एंटीसिपेटरी ब्रीच के दो इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या, द अदर पार्टी इज एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मेंस और फर्दर परफॉर्मेंस, द इंजर्ड पार्टी हैज एन ऑप्शन टू सू इमीडिएटली और टू वेट टिल द स्टिपुलेटेड टाइम फॉर द परफॉर्मेंस। तो जो दूसरी पार्टी है उसको वो बरी हो जाएगी, वो परफॉर्मेंस ना करे अपनी तरफ से, या फिर जो इंजर्ड पार्टी है जिसका नुकसान हुआ है उसके पास ऑप्शन है कि वो इमीडिएटली सू करे या फिर वेट करे उस 14वें दिन तक जब तक आपको परफॉर्मेंस करनी थी। ठीक है, एंटीसिपेटरी ब्रीच एक इमीडिएट राइट देता है कि आप एक एक्शन फाइल कर सको, एक सूट फाइल कर सको। हॉचेस्टर वर्सेस डी लॉर्ड ट्योर के केस में क्या बोला गया, लॉर्ड कैंपबेल ने क्या बोला, उन्होंने एक सूटेबल इलस्ट्रेशन दी इस जजमेंट में ऑफ द फोरसेट केस, जहां पे इफ अ मैन promises to marry a woman at a future date and before the date he marries another woman, he is instantly liable to action for breach of promise of the marriage. सेम प्रिंसिपल को आप अप्लाई करते हो इवन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे, जो हम लोगों ने सेक्शन 31 से 36 पढ़े थे। ठीक है, फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट के केस में क्या बोला गया, डिफेंडेंट ने प्रॉमिस किया था प्लेंटिफ को कि वो उसको शादी करेगा ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, बट इवन वाइल द डेथ इवन वाइल द फादर वाज अलाइव डिफेंडेंट रिप्यूटेड हिज परफॉर्मेंस प्रॉमिस एंड ब्रोक द एंगेजमेंट। तो यहाँ पे एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गई। ओके, प्लेंटिफ ने एक्शन फाइल किया फॉर इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर द डेथ ऑफ द डिफेंडेंट फादर, डिफेंडेंट ने कंटेंट किया कि ये तो तभी होता जब कंटिंजेंसी हैपन होती, दैट इज ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच वॉज डेथ ऑफ द फादर। However, Cockburn Chief Justice ने क्या बोला, this fell within the ambit of the principle which was laid down in Hochester versus De La Tour and consequently जो action था this was well brought, और जो aggrieved party है that does not want to accept the reputation that is an anticipatory breach or a contract remains alive and the following consequences occur, क्या पार्टी जो रेप्यूटेट कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को नेवरदलेस में चूज टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशंस व्हेन द टाइम कम्स एंड देन द प्रॉमिसी विल बी बाउंड टू एक्सेप्ट द सेम, या फिर इफ व्हाइल द कॉन्ट्रैक्ट्स लाइंग ओपन सम इवेंट हैपेंस व्हेन
विच डिस्चार्जेस द कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज देन बाय रेपुटेशन. एग्जाम्पल, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ सम सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंसेस, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, द प्रोमिसर विल बी एंटाइटल्ड टू द एडवांटेज ऑफ द चेंज्ड इन सर्कमस्टेंसेस. ठीक है, तो एवरी बॉर्डन 1955 का केस था. इसमें क्या बोला गया, जो डिफेंडेंट थे, डिफेंडेंट चार्टर्ड प्लेंटिफ्स शिप एंड अग्रीड टू लोड इट विद द कार्गो एट उड़ीसा विद इन 45 डेज. ऑन द अराइवल ऑफ द शिप एट उड़ीसा, डिफेंडेंट टोल्ड द शिप्स कैप्टन दैट देयर वाज नो कार्गो एंड आस्क्ड हिम टू गो अवे. द कैप्टन हाउएवर स्टेड होपिंग कि डिफेंडेंट जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेंगे. बिफोर द एंड ऑफ द 45th डे पीरियड अ वॉर ब्रोक आउट विच रेंडर्ड द परफॉर्मेंस इलीगल. प्लेंटिफ ने क्या बोला, प्लेंटिफ ने बोला कि यहाँ पे एक्शन होना चाहिए फॉर ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट जो था, बट क्या बोला गया, कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यहाँ पे सेक्शन 56 लग गया रादर देन ब्रीच, क्योंकि उन्होंने वेट किया उस टाइम पीरियड. अगर वो इमीडिएटली फाइल कर देते तो फिर फ्रस्ट्रेशन का पॉइंट नहीं उठता. ठीक है, तो क्या देखना है कि अगर एंटिसिपेटरी ब्रीच को, एंटिसिपेटरी रेपुटेशन को आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो डैमेजेस फॉर ब्रीच असेस करे जाएंगे एट द टाइम व्हेन द रेपुटेशन टेक्स प्लेस. यही बात बोली गई राम गोपाल व सिद्धांजी जाडवा जी भाटिया के केस में. फैक्ट्स क्या थे इस केस के, कि जो डिफेंडेंट्स थे ओनर थे एक गिनिंग मिल के, कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने विद द प्लेंटिव की कॉटन मर्चेंट जो थे टू यूज द हाफ ऑफ द मिल्स वर्किंग कैपेसिटी फॉर गिनिंग हिज कॉटन. बट डिफेंडेंट जो थे उन्होंने रेपिडेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को बिफोर एनी कॉटन वॉज सप्लाइड या फिर गिंट. प्लेंटिफ वॉज हेल्ड इंटाइटल टू रिकवर द एस्टिमेटेड लॉस ऑफ प्रॉफिट्स एट द टाइम ऑफ रेपिडेशन. लॉर्ड समर जो थे उन्होंने क्या बोला, ये एक केस था ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच, सो द प्लेंटिफ वॉज एंटाइटल टू मेजर हिज डैमेजेस एज दे देन स्टूड दैट इज एट द टाइम ऑफ द रेप्यूडेशन. दो थिंग्स जो जरूरी है टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या है. विस्कॉन्सिन ने इन हेमैन वर्सेस जॉर्विस लिमिटेड के केस में क्या बोला, और इसी बात को एक्सेप्ट किया गया बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द स्टेट, इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ केरला वर्सेस कोचिन केमिकल रिफाइनरीज लिमिटेड. क्या बोला गया कि अगर रेपुटेशन हो रही है बाय वन पार्टी स्टैंडिंग अलोन दैट डज नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, इट टेक्स द टू टू एंड इट. रेपुटेशन ऑन वन साइड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रेपुटेशन ऑन द अदर साइड इज वॉट एक्चुअली टर्मिनेट्स द कॉन्ट्रैक्ट. तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. यही प्रिंसिपल को समराइज किया गया बाय हॉवर्ड वर्सेस पिकवर्ड टूल कंपनी लिमिटेड के केस में, कि अगर एक अनएक्सेप्टेड रेपुटेशन है इज अ थिंग रिट इन वॉटर एंड इट इज ऑफ नो वैल्यू टू एनी वन. तो जब तक एक अनएक्सेप्टेड रेपुटेशन है, सामने वाला बंदा रेपुटेट कर रहा है बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है. और इसी डॉक्ट्रिन ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच को किस सेक्शन में लाया गया, सेक्शन 39 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लाया गया, जो बात करता है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू ऑफर अ परफॉर्मेंस. ठीक है, तो क्या इफेक्ट होगा अगर सामने वाला रिफ्यूज कर देता है परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से. ठीक है, सेक्शन 39 क्या कहता है, जब एक पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज कर देती है टू परफॉर्म या फिर डिसेबल करती है अपने आप को कि वो परफॉर्म कर सके हिज प्रॉमिस इन एंटायरिटी, प्रोमिसर मे पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट. तो प्रोमिसर ने क्या करा, प्रोमिसर ने अपने आप को क्या करा, अपने आप को डिसेबल कर दिया कि वो परफॉर्म करे. तो प्रोमिसी के पास ऑप्शन है कि वो मे पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस वो अपने वर्ड से सिग्निफाई करता है, कंडक्ट से सिग्निफाई करता है कि वो इसको कंटिन्यू करना चाहता है. ठीक है, अब एग्जाम्पल के तरीके से इलस्ट्रेशंस पढ़ते हैं. ए एक सिंगर है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ जो मैनेजर है एक थिएटर का, कि वो उसके वहाँ पे आके हर दो नाइट्स में, हफ्ते में दो रातों को आके वो उसके वहाँ पे परफॉर्मेंस करेगा फॉर द नेक्स्ट टू मंथ्स. बी इंगेजेस टू पे हर 100 rupees फॉर ईच नाइट्स परफॉर्मेंस. सिक्स नाइट पे आके ए ने विलफुली अपने आप को एब्सेंट कर दिया थिएटर से. बी इज एट द लिबर्टी टू पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे ए जानबूझ के जब नहीं आई परफॉर्म करने, तो अब बी के पास ऑप्शन है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है. ठीक है, ए एक सिंगर है, एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी द मैनेजर ऑफ अ थिएटर, कि वो आके क्या करेगी, वो आके वहां पे गाना गाएगी, वही वाला सेम चीज. ठीक है, सिक्स नाइट पे विलफुली वो एब्सेंट हो जाती है. विद द सेंट ऑफ बी A sings on the seventh night. अब यहाँ पे B ने repudiate नहीं करा, contract को terminate नहीं किया, but उसने बोला कि आजा seventh night पे आके गाना गाए.
बी हैज सिग्निफाइड हिज एक्विजिशंस इन द कंटिन्यूएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट नाउ पुट एन एंड टू इट बट इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन फॉर द डैमेजेस जो कि उसको सस्टेन हुए थे सिक्स्थ नाइट पे, क्योंकि उसने तब गाना गाया नहीं था। तो आपको क्या देखना है, जब एक पार्टी रिफ्यूज कर देती है या अपने आप को डिसेबल कर देती है परफॉर्म करने के लिए, तो दूसरी पार्टी के ऊपर ऑप्शन होती है कि या तो वो इसको टर्मिनेट करे या फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करता रहे। द पार्टी इन डिफॉल्ट मस्ट हैव रिफ्यूज्ड ऑल टुगेदर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिफ्यूजल मस्ट बी ऑफ द होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज द अदर पार्टी वुड नॉट बी जस्टिफाइड इन पुटिंग एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। पूरे के पूरे पोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को वो रिफ्यूज कर रहा है तभी बात बनती है, वरना बात नहीं बनती कि आप कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर रहे हो। ठीक है, अब राज बिहारी साहा वर्सेज नृत्य गोपाल नंदी, कलकत्ता हाईकोर्ट का केस है। फैक्ट्स क्या थे, ए ने अग्री किया टू परचेज फ्रॉम बी अंडर टू कॉन्ट्रैक्ट 300 टन्स ऑफ शुगर्स टू बी डिलीवर्ड एट डिफरेंट डेट्स। ए हैविंग फेल्ड टू टेक डिलीवरी अंडर द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, बी क्लेम टू रिसेंड बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या बोला गया, ए डिड नॉट रिफ्यूज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, रिफ्यूजल पर्टेंड ओनली टू फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, सो बी कुड नॉट रिसेंड द होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, प्राइमा फिसे दिस डिसीजन रन्स कॉन्ट्री टू द इलस्ट्रेशन जो कि हमने सेक्शन 39 में पढ़ी है। हाउएवर हैविंग ड्वेल्ड इनटू द डीपर डिटेल्स, गार्थ चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने क्लैरिफाई किया पोजीशन को। उन्होंने क्या बोला, इलस्ट्रेशन के अंदर जो सिंगर है उसने विलफुली अपने आप को एब्सेंट किया थ्रू दो फॉर वन नाइट ओनली डिड इन फैक्ट रिफ्यूज टू परफॉर्म एन इंटेग्रल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ हर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो होल सिचुएशन कम डाउन टू द पॉइंट कि वेदर जो रिफ्यूजल है वो एक पार्शियल रिफ्यूजल है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट की रूट तक जाता है। अगर वो एक इफ इट डज देन द अदर पार्टी हैज अ रीजनेबल ग्राउंड कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। अग्रीव पार्टी मे आफ्टर पुटिंग एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट एक सूट फाइल कर सकते हैं फॉर डैमेजेस, और ही विल बी बाउंड अंडर सेक्शन 64 कि वो रिस्टोर करें अगर उनको कोई भी बेनिफिट मिला है अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट। यही बात बोली गई कहाँ पे, मुरलीधर चैटर्जी वर्सेस इंटरनेशनल फिल्म कंपनी के केस में। ठीक है, अब जब हम लोगों ने ये तीन तरीके पढ़ लिए हैं डिस्चार्ज के, अब हमें पढ़ना है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो जैसे कि आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया आपके लिए। क्यों हुआ इम्पॉसिबल, क्योंकि क्या हो गया, या तो इनिशियली ही इम्पॉसिबल था या फिर कोई सब्सिक्वेंट ऐसी चीज हो गई जो कि आपके कंट्रोल में नहीं थी। तो सेक्शन 56 तीन बातों में बात करता है, एक अग्रीमेंट को करना इम्पॉसिबल हो गया, एक अग्रीमेंट को करना इम्पॉसिबल हो गया अपने आप में क्योंकि वो वॉइड था। एक अग्रीमेंट अपने आप में एक इम्पॉसिबल एक्ट के बारे में है, जैसे कि दो पैरेलल लाइंस को मिलाना ये वॉइड है अपने आप में, या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट है टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम्स इम्पॉसिबल, और बाय द रीजन ऑफ सम इवेंट जो प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट बिकम्स अनलॉफुल बिकम्स वॉइड व्हेन द एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल या फिर अनलॉफुल। तो क्या हुआ, आपने ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था बी ने कि ये लोग कुछ कमोडिटीज में डील करेंगे, बाद में इनकी कंट्रीज वॉर में हो गई तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये इम्पॉसिबल हो गया, सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंसेस हो गए जो कि इनके कंट्रोल से बाहर थे और इन्होंने वो क्या नहीं करे थे, फोर्सी नहीं करे थे। थर्ड पॉइंट हुआ जहाँ पे वन पर्सन हैड प्रॉमिस टू डू समथिंग विच ही न्यू और विद रीजनेबल डिलिजेंस माइट हैव नोन एंड विच द प्रोमिसर डिड नॉट नो टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, सच अ प्रोमिसर मस्ट मेक कॉम्पनसेशन टू द प्रोमिसी फॉर एनी लॉस। तो जहाँ पे आपको पता था कि आप कोई आपने ए ने बोला था बी को कि मैं इसकी बेटी से शादी करूंगा, सीज डॉटर के साथ शादी करूंगा, जबकि आपको पता है कि उसकी शादी ऑलरेडी मैरिड, बट बी को नहीं पता था, तो आपको उसके लिए उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा अगर उसको कोई लॉस हुआ है तो। तो ये तीन पार्ट्स हैं जहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जहां पे परफॉर्म करना डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया है। तो सेक्शन 56 के तीन पार्ट से एक पार्ट डील करता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के, सेकंड बात करता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की, और थर्ड पार्ट करता है जहां पे आप डील कर रहे थे इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अनलॉफुलनेस, या फिर प्रोमिसर को पता था कि ये परफॉर्म करना मुश्किल है इम्पॉसिबल है बट प्रोमिसी को नहीं पता था, तो आपको प्रोमिसी को क्या करना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। समटाइम्स परफॉर्मेंस करना पॉसिबल होता है जब आप वो कॉन्ट्रैक्ट करते हो, बट बाद में जाके कुछ सब्सिक्वेंटली कोई ऐसी चीज हो जाती है जो उसको इम्पॉसिबल कर देता है या फिर अनलॉफुल कर देता है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, वॉइड बन जाता है।
ठीक है, इंग्लिश केस पैराडाइम वर्सेस जेन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंडेंट ने a lessee of the plaintiff was dispossessed of the leased estate for some time by the alien enemies and for such period of dispossession he refused to pay rent to the plaintiff. It was held that this subsequent happening should not affect the contract which was already made. Court ne kya bola? Jab parties ne by his own contract creates a duty which is bound to make it good, if he may, notwithstanding any accident by inevitable necessity, because he might have provided it against it by his contract. ठीक है, टेलर वर्सेस कैडविल के केस में क्या बोला? ब्लैकबर्न जस्टिस जो थे उन्होंने क्या बोला, ये अबव रूल एप्लीकेबल है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कि एब्सोल्यूट है एंड इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी कंडीशंस जो कि एक्सप्रेस्ड हैं या फिर इम्प्लाइड हैं। लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या थी? बाय अप्रिशिएटिंग द जजमेंट विच वाज डिलीवर्ड बाय टेलर वर्सेस कैडविल, जहां पे डिफेंडेंट ने लेट आउट किया था अपने म्यूजिक हॉल को फॉर कंसर्ट बिटवीन सर्टेन डेट्स एंड सेम गॉट गटेड इन फायर बिफोर द सेट पीरियड स्टार्टेड एंड द प्लेंटिफ सूड द डिफेंडेंट फॉर लॉस। तो ये क्या बोला, यहाँ पे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी होगी, सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया जो कि उनके कंट्रोल के बियॉन्ड था। क्या बोला गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट नहीं था क्योंकि परफॉर्मेंस डिपेंडेंट ही ऑन द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द हॉल। कॉन्ट्रैक्ट वॉज सब्जेक्ट टू सम इम्प्लाइड कंडीशंस कि पार्टीज विल बी एक्सक्यूज अगर वो परफॉर्म होगा। परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई क्योंकि वो जो हॉल था वो डिस्ट्रक्शन हो गई उसकी बिकॉज ऑफ सम सुपरवीनिंग सर्कमस्टांसेस जिसमें डिपेंडेंट की कोई गलती नहीं थी। अदर वर्ड्स में परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ सम फिजिकल ऑब्लिगेशन, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गई जिसके कारण वो परफॉर्मेंस करना मुश्किल हो गया। तो बेसिकली जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है ये दो टाइप ऑफ केसेस में आती है। कौन सी? जहाँ पे परफॉर्मेंस करना फिजिकली कट ऑफ हो जाए, परफॉर्मेंस करना फिजिकली इम्पॉसिबल हो जाए यहाँ पे, या फिर जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्टीज के माइंड में था वही फेल हो जाए मटीरियलाइज होने के लिए, तो इन दो सिचुएशंस में ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कम्स इनटू द प्ले। ठीक है, तो अब जब हम बात करते हैं क्रेल वर्सेस हेनरी के केस की, तो क्या हुआ, डिफेंडेंट्स ने अग्री किया था टू हायर फ्रॉम प्लेंटिफ अ फ्लैट ऑन टू पर्टिकुलर डेज ऑन विच इट हैड बीन अनाउंस्ड दैट द कोरोनेशन प्रोसेशन वुड पास अलोंग दैट प्लेस। जो पार्ट ऑफ रेंट था वॉज पेड इन एडवांस, प्रोसेशन वॉज देन कैंसल्ड ड्यू टू द किंग्स इलनेस एंड डिफेंडेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि वो जो बैलेंस अमाउंट ऑफ रेंट है वो पे नहीं करेंगे। तो क्या बोला गया कि जो फाउंडेशन था हमारे कॉन्ट्रैक्ट का वो क्या था कि जो प्रोसेशन है वो उस जगह से जाएगा। जो रियल ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था वो था प्रोसेशन के बारे में। अब ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में फ्रस्ट्रेट हो गया बाय नॉन हैपनिंग ऑफ द कोरोनेशन, तो प्लेंटिफ वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर एनी बैलेंस रेंट। ठीक है, तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के जिनको एम्पली कवर करा गया है बाय सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। इनको एक्सप्लेन करा मुखर्जी जस्टिस ने इन सत्यव्रत घोष वर्सेस मुनीग्राम बैंगर के केस में। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या बोला कि जो वर्ड इम्पॉसिबल हैज नॉट बीन यूज्ड इन द सेंस ऑफ लिटरल या फिर फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ओनली। परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट कैन बी लिटरली पॉसिबल बट इट मे बी यूजलेस फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो हो सकता है कि आप परफॉर्म कर सकते हो, लिटरली उसको करना पॉसिबल है, बट जो उसका ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो ऑब्जेक्ट ही अपने आप में वॉइड हो गया तो फिर उसको परफॉर्म करने का कोई फायदा नहीं माना जाएगा और सेक्शन 56 में इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को जो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इसी को समझाते हुए विस्काउंट जस्टिस ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अक्रेंस ऑफ एन इंटरवीनिंग इवेंट, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है या फिर अगर चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं वो इतने ज्यादा फंडामेंटल हैं बाय लॉ एज वेल एज बाय द रूट ऑफ द अग्रीमेंट, तो आपको क्या देखना होगा, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राउंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या हो जाते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट मैटर था वो ही डिस्ट्रॉय हो गया। जहाँ पे एक्चुअल या फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसी के बारे में बात करी थी कहाँ पे, टेलर वर्सेस कैडविल के केस में जहाँ पे म्यूजिक हॉल में आग लग गई थी। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन है जहाँ पे चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस अगर हो जाए, अगर ऐसा हो जाए जिन हालातों में आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिन हालातों में आपने इंटेंशन थी पार्टीज की कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे वही बदल जाते हैं, तो अपने आप पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, परफॉर्मेंस करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये कब होता है, जब आपका चेंज इन सर्कमस्टांसेस होते हैं जिससे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट करना वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाता है या फिर बहुत ही डिफिकल्टी हो जाती है, जैसे कि वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, COVID-19 हो गया, या फिर कोई भी ऐसी नेचुरल क्लैमिटी हो गई, एंडेमिक हो गया, पैंडेमिक हो गया, तो चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो गए, हालात बदल गए, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया।
या फिर नॉन अकरेंस हो गया किसी कंटेम्पलेटेड इवेंट का, जो हमने क्रेल वर्सेस हेनरी के केस में पढ़ा था, या फिर पार्टी की डेथ हो गई, या फिर पार्टी इनकैपेसिटी हो गई, अब वो कॉम्पिटेंट नहीं रही, तो एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्यूज कर सकती है परफॉर्म करने के लिए अगर जो भी बंदा था उसकी या तो डेथ हो जाती है या फिर वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, जैसे हमने रॉबिन्सन वर्सेस डेविडसन के केस में पढ़ा था, किसी की डेथ हो जाती है या फिर कोई बंदा बहुत इल हो जाता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो ये भी अपने आप में डिस्चार्ज हो जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट का। फैक्ट्स कैसे थे रॉबिन्सन वर्सेज डेविडसन में? कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बिटवीन प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की वाइफ, जो कि एक बहुत ही अच्छी पियानिस्ट थी, कि वो पियानो प्ले करेंगी कंसर्ट पे टू बी गिवन बाय द प्लेंटिफ ऑन अ स्पेसिफिक डे। सेट डे पे जिस दिन उन्होंने पियानो प्ले करना था वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई और वो परफॉर्म नहीं कर पाई, कंसर्ट को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। प्लेंटिफ को इसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। प्लेंटिफ ने एक्शन किया फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इट वॉज हेल्ड कि कॉन्ट्रैक्ट वॉज बाय इम्प्लाइड टर्म सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ हर वेल बींग, और वो बीमार थी इसीलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये अपने आप फ्रस्ट्रेट हो गया, सेक्शन 56 अप्लाई हो गया और ये इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करना, या फिर किसी गवर्नमेंट या लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन के कारण ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसको आप परफॉर्म नहीं कर सकते। आपने दो लोगों ने मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया किसी कमोडिटी में डील करने के लिए, बट गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, कोई लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन हो गई और अब उस कमोडिटी को आप काम नहीं कर सकते हो, तब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस माना जाएगा। सत्यव्रत घोष वर्सेज मुगनी राम मांगोर के केस में क्या हुआ? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। डिफेंडेंट कंपनी ने स्टार्ट करी एक स्कीम फॉर डेवलपिंग अ ट्रैक ऑफ लैंड फॉर हाउसिंग कॉलोनी। प्लेंटिफ ने प्लॉट लिया ऑन डिस्पोजिट ऑफ अर्नेस्ट मनी। डिफेंडेंट कंपनी ने अंडरटूक किया कि वो डेवलप करेंगे इस लैंड को बाय कंस्ट्रक्टिंग रोड्स एंड ब्रेंज, अपॉन द कंप्लीशन ऑफ विच ये अलॉटेड लैंड को दिया जाएगा फॉर कन्वेंसिंग आफ्टर द पेमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट। बिफोर एनीथिंग वॉज डन a considerable portion of the land was requested by the state for military purpose in the wake of second world war. kya bola gaya ki ye contract frustrate ho gaya kyunki ye work delay hua kyunki jo government ka order aa gaya tha wo apne aap mein temporary in nature tha but ye pure ke pure object ko isne upset kar diya and isliye ye contract frustrate ho gaya। या फिर इंटरवेंशन बाय वॉर हो गई, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो दोनों फ्रेंडली रिलेशन कंट्रीज से थी, बट अब उन दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर हो गई, तो अब ये अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट माना जाएगा। ये अपने आप में डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी के अंदर आ जाएगा कि अब इसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्या कवर करा? हम लोगों ने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और हमने क्या पढ़ा कि डिस्चार्ज करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीकों के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि परफॉर्मेंस के द्वारा डिस्चार्ज किया जा सकता है, जो हम लोगों ने सेक्शन 37 से लेके सेक्शन 67 में पढ़ा था, जिसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस भी होती है और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी होती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अगर लैप्स ऑफ टाइम हो गया तो बेसिकली आपको देखना है अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इज एसेंस या फिर नॉट एसेंस। अगर टाइम इज एसेंस तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा अगर उस टाइम पीरियड के अंदर नहीं किया, या फिर बाय अग्रीमेंट हुआ, जहां हम लोगों ने सेक्शन 62 पढ़ा, 63 पढ़ा और 67 पढ़ा, जहां पे नोवेशन के द्वारा, रिसेशन के द्वारा, ऑल्ट्रेशन के द्वारा या फिर वेवर के द्वारा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो गया, या फिर आपका क्या हुआ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा था 73 से 75 वाला पोर्शन, जहां पे ब्रीच हुई, एक्चुअल ब्रीच हुई, एंटीसिपेटरी ब्रीच हुई, मटेरियल ब्रीच हुई, माइनर ब्रीच हुई या फिर फंडामेंटल ब्रीच हुई। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ, डिस्चार्ज हो गया क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गई, जो हम लोगों ने सेक्शन 56 में पढ़ा, जहां पे सब्सिक्वेंट भी हो सकती है, इनिशियल भी हो सकती है और एक पार्टी की नॉलेज में थी, दूसरे को नुकसान कर दिया तो उसमें आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, या फिर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कुछ हो गया, जैसे कि वो पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, वॉर हो गई, डेथ हो गई, ऐसी कोई भी चीज हो गई, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा। ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर के,
क्योंकि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये है कि जब हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म किया था, ए के कुछ राइट्स थे, बी के कुछ राइट्स थे, इनकी कुछ ऑब्लिगेशंस थी जो हम लोगों ने कहाँ पढ़ी थी, सेक्शन नंबर 37 में पढ़ी थी। तो जब इनकी ऑब्लिगेशंस थी, इनको कंप्लीट करना है, इनको परफॉर्म करना है, बट जरूरी नहीं है कि हर बारी परफॉर्मेंस हो, कई बारी हो सकता है कि परफॉर्मेंस ना हो। तो जब कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना होता है तो उसके बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जो आज हमने कवर करें, तो इनकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको क्या करना है, आप लोगों को पीडब्ल्यू की ऐप डाउनलोड करनी है, लॉ सिलेक्ट करना है, फाउंडेशन बैच सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वहां जाके आप ये लेक्चर दोबारा देख सकते हैं, आप क्लास नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आप डेली प्रैक्टिस पेपर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट, एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, अपनी तैयारी अच्छे से करें एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।